भगवान स्वयं सखी भाव की दीक्षा लिए और सखी भाव की दीक्षा लेकर भोलेनाथ भगवान देवाधिदेव महादेव जब सखी भाव की दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं तब तुरंत ललिता जी शिव जी का श्रृंगार करवाती है। स्वयं ललिता एकांत में शंकर भगवान मौन आनंद के साथ बैठ गए एकांत में। आज ललिता जी ने सखी भाव की दीक्षा दी है भोलेनाथ, सखी भाव की ललिता जी। और जब सखी भाव की दीक्षा ललिता जी दी है, सखी भाव की दीक्षा जब ललिता जी ने दे दी तब शिव एकांत में अकेले जाकर बैठ गए। 33 कोटि देवता ब्रह्मांड में विचार करने लगे कि महादेव कहाँ है, कैलाश पर नहीं मिलते। शिव कैलाश पर नहीं है, काशी में भी नहीं, केदार में भी नहीं, उज्जैनी भी नहीं, गए कहाँ, ढूंढ रहे। क्या देखा, ब्रज की रज में एकांत में जाकर बैठ गए। एकांत ब्रज की रज में एकांत, और एकांत में जब बैठे इंद्र जो कंस के अत्याचार को देखकर हाहाकार कर रहा था, वरुण गरुण जो कंस के प्रकोप को देखकर कंस के प्रभाव को देखकर हाहाकार मचा हुआ था, वो सब भगवान शिव को ढूंढ रहे, भगवान शंकर को ढूंढ रहे। अब शंकर तो एकांत में बैठे एकांतेश्वर महादेव बनकर ब्रज की रज में मौन स्थिर चुप शिव की आराधना में लगे हुए थे। और जब मौन एकांतेश्वर महादेव बैठे हैं, हाँ हम एक बार निवेदन करेंगे आपको। मान लो किसी को आपने रुपया दिया, पैसा दिया, कोई व्यापार में आपने पैसा लगाया, कोई किसी व्यक्ति को दिया और वो व्यक्ति उस पैसे को वापस नहीं कर रहा, लौटा नहीं रहा। आपने अपनी एड़ी चोटी तक दम लगा लिया, बल लगा लिया, गिड़गिड़ा लिए, सब कुछ कर लिया, पर उसने आपका धन नहीं दिया। ले गया वो 2-5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, व्यापार में अधिकाधिक में कहीं वो पैसा चले गया। आपने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, तब आखिरी में जब हताश हो जाओ या एक कोई पैसा लेकर चले गया उसका भी, और अगर मान लो बहुत सिर पर पैसे का लोड है, कर्जा है उसके लिए, अगर मान लो सिर पर कर्जा भी बहुत ज्यादा है, कोई पैसा आपका किसी को देना है और वो बहुत परेशान कर रहा है, धन दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, तो ये दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ, एक पैसा गया हुआ भी वापस बुलाने के लिए भी, और एक अपना स्वयं का कर्जा चुकाने के लिए, दोनों के लिए। महाराज पंच बेलपत्र, पंच श्वेत पुष्प, मतलब 5 बेलपत्र और 5 सफेद पुष्प, श्वेत पुष्प, पंच हराद्री अक्षत, मतलब 5 चावल के दाने हल्दी में भींगे हुए, 5 बेलपत्र
पंचम पुष्प और पांच हल्दी में भींगे हुए अक्षत के दाने। महाराज एकांतेश्वर महादेव, एकांत में कोई शिवलिंग हो तो, और अगर एकांत में शिवलिंग ना मिले और कोई शिवरात्रि आपके मध्य में आ रही हो, महाराज हर महीने शिवरात्रि आती है और महीने की शिवरात्रि पड़ रही हो और आपको एकांतेश्वर शिवलिंग भी नहीं मिल रहा, एकांत का कोई शिवलिंग नहीं मिल रहा, तो एकांत में कहीं जाकर एकांत के अंदर किसी मट्टी का ही शिवलिंग का निर्माण कर ये पांच बेलपत्र, पांच श्वेत पुष्प, पांच हल्दी के चावल बाबा को अभिषेक पूजन करने के बाद धीरे धीरे समर्पित करें। क्रम क्या है? पहले हल्दी का चावल चढ़ेगा, फिर श्वेत पुष्प चढ़ेगा, उसके बाद में बेलपत्र चढ़ेगा। पांचों एक साथ नहीं चढ़ेगा, हल्दी का चावल भी चढ़ेगा तो एक एक कर चढ़ेगा, और श्वेत पुष्प भी चढ़ेगा तो एक एक कर चढ़ेगा, और बेलपत्र भी चढ़ेगी तो एक एक कर चढ़ेगा। और जिससे हमें धन लेना है, जो लेकर चला गया नहीं ला कर दे रहा, जो नहीं ला कर दे रहा, जिससे हमें धन लेना है, पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, उसका स्मरण कर कितना है क्या है वो आप भाबा से प्रार्थना कर दो। जब हल्दी का चावल चढ़ाए तब आप श्वेत पुष्प समर्पित करें तब, और बेलपत्र समर्पित करें तब, या हमारे माथे पर कर्जा है वो चूके उसके लिए भी आप बाबा से प्रार्थना करें। एक अक्षत, एक पुष्प, एक बेलपत्र अपने झोली में बांध कर लाएं। बाकी का अगर आप एकांतेश्वर महादेव पर कर रहे हैं तो वैसा की वैसी रहने दें, और अगर शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं पार्थिव, तो उस शिवलिंग का थोड़ी देर बाद विसर्जन भी कर दे। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर रहे हैं एकांत में, एकांतेश्वर महादेव का शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो फिर उसका विसर्जन कर। और अगर कहीं एकांत में शिवलिंग पहले से है तो आपको विसर्जन करने की जरूरत नहीं, आप चढ़ाकर बड़े प्रेम से प्रार्थना कर वापस। एकांतेश्वर शिवलिंग एक ऐसा होता है जो हमको बहुत सुख का अनुभव कराता, बहुत सुख। हम तो यहां तक कहेंगे जिसकी रीढ़ की हड्डी में गेप आ जाए, घुटने में गेप आ जाए, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले, उससे पहले भी एकांतेश्वर का पूजन जरूर, उसका फल मिलेगा। एकांतेश्वर महादेव सुख प्रदान करते हैं, आनंद देते हैं। बोले एकांतेश्वर महादेव की, वो सुख का अनुभव करा देते। रावण क्या करता था? रावण की लंका में जहां रावण भगवान शंकर की आराधना करता था, वहां रावण के पास एक शिवलिंग था जिसकी वो आराधना करता था, पूजन करता था, अर्चना करता था। और लंकाधिपति रावण जब कहीं थोड़ा भी उसके मन में भाव उत्पन्न होता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये सुख मिलना चाहिए, मुझे ये आनंद मिलना चाहिए, मुझे ये रसतत्व प्राप्त होना चाहिए, तब रावण समुद्र के तट पर चला जाता था, अकेला एकांत में कहीं चला जाता था, एकांत में, कोई गुफा में, कोई समुद्र तट पर, कहीं एकांत में पहुंचकर भगवान शंकर के बालू के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करा करता। कोई कहता है गुरुजी भगवान राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, क्या राम जी ने और भी शिवलिंग की स्थापना करी? हम कहते हैं एक बार प्रयास करना, राम पथगमन भारत की सरकार द्वारा बनाया गया है। राम पथगमन जब भारत की सरकार द्वारा बनाया जा रहा है तो एक बार प्रयास करना कि राम पथगमन पर तुम अपनी गाड़ी लेकर जाना, जहां जहां से राम पैदल वन से घूमते हुए लंका तक गए हैं, उस राम पथगमन रस्ते पर तुम जाकर देखना, जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे उससे ज्यादा भोलेनाथ के मंदिर मिलेंगे। राम जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करते थे। मेरे राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करते। पूरे राम पथगमन में
आप जाकर देखिए पूरे रामपद गमन में, आप चलकर देखो रामपद गमन में चलेंगे, जहां जहां राम जी गए वहां शंकर की आराधना करी है राघव जी। जब आप लोग कार्तिक के महीने की कथा 21 नवंबर से 25 नवंबर नासिक में 5 दिन की जब शिव महापुराण की कथा पंचवटी में आप सुने, भगवान राम की पवित्र भूमि पर, भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर, जब नासिक में 21 नवंबर से 25 नवंबर तक इसी महीने में जब 5 दिन की शिव महापुराण की कथा नासिक में सुने, तब आप उसमें स्मरण करेंगे कि पंचवटी में नासिक में वन क्षेत्र में भगवान राम ने शंकर जी की कितनी जगह स्थापना करी, कितनी जगह राम एकांत में बैठते थे और भगवान शंकर की आराधना कर कर भगवान शिव की अर्चना में डूब जाते थे। मेरे भगवान कृष्ण, जब जब मेरे भगवान कृष्ण के हृदय में लगता था कि क्या करूं, तब भगवान कृष्ण शिव की आराधना में डूब जाते थे। शिव एकांत में बैठ गए, देवता सब आए, प्रार्थना करिए, बाबा कुछ करिए। भगवान कहते हैं क्या चाहते हो? बस इस कंस का वध होना चाहिए। भगवान ने कहा चिंता न करिए, एक बार मैं कृष्ण का और कृष्ण मेरे हो जाएं। संग भगवान कृष्ण के पास में बल तो बहुत है, पर छल बल दोनों ही प्रदान करना है। मैं स्वयं रास मंडली में जाऊंगा। सुंदर भाव से भगवान शंकर कैलाश में चले गए, पार्वती जी से विनय करी।